ये बड़ी खबर है, पहली तस्वीर रामलला की पहली झलक। रामलला की पहली तस्वीर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर ऑन एयर है। ये रामलला की पहली तस्वीर इस वक्त जो है वो न्यूज 18 इंडिया पर ऑन एयर है। आज आपको बताते हैं, रामलला जो है वो गर्भगृह में विराजमान होंगे, आज उनका गृह प्रवेश। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं रामलला की, वो एक्सक्लूसिव तस्वीर, पहली जो अरुण योगीराज, मूर्तिकार अरुण योगीराज की तरफ से बनाई गई है। ये पहली बार न्यूज 18 इंडिया पर आप वो तस्वीर देख रहे हैं। अब तक झलक नहीं आई थी, इंतजार लाखों करोड़ों राम भक्त कर रहे थे, पूरी दुनिया को इंतजार था। और अब जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई, जो बार बार जिसका जिक्र चंपत राय ने किया कि तीन मूर्तियां थी, जो बाल स्वरूप पांच वर्षीय प्रभुराम की तस्वीर को उकेरा गया पत्थर पर, तीन तस्वीरें थी, तीन में से एक को चुना गया था। जिस तस्वीर को चुना गया वो इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर लाइव है। अरुण योगीराज दर्शन हो रहे हैं प्रभु रामलला के तस्वीर में इस वक्त। अगर ऐसा अवसर है तो मुझे चार पंक्तियां याद आती है, मैं निवेदन करता हूँ। जो लोग राम के अस्तित्व को नकारते हैं, मैं उनको कुछ कहना चाहता हूँ। अरुण योगीराज श्यामल रंग, जो रंग की पांच वर्षीय बाल स्वरूप तस्वीर प्रभु राम की जो पत्थर पर उकेरी गई, तीन मूर्तियां थी, तीन में से एक का चयन किया गया अरुण योगीराज द्वारा, ये जो मूर्ति रामलला की तैयार की गई। जी, मैं जो राम के अस्तित्व पर टिप्पणी करते हैं, मैं उन पर कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी जी, कि राम कहाँ कहाँ है, पंचभूतों का यह शरीर, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, इसमें राम का दर्शन करिए। कि पृथ्वी में पवित्र गंध रूप में है राम जी, पृथ्वी में अवस्थित है गंध रूप राम जी, जल में है विद्यमान रस रूप राम जी, अग्नि में प्रचंड तेज रूप में है राम जी, वायु के प्रबल वेग रूप में है राम जी, शब्दादि तन मात्रा अनंत व्योम राम जी, वेद का प्रणव बीज मंत्र ओम राम जी, आदि में भी राम जी, अनादि में भी राम जी, ब्रह्मा और शंकर की समाधि में भी राम जी, ब्रह्मा और शंकर की समाधि में भी राम जी, प्रभव में राम जी है, प्रलय में राम जी, हर देश काल और समय में राम जी, अंत में भी राम जी, अनंत में भी राम जी, संत में भी राम जी, असंत में भी राम जी, इसमें भी राम जी तो उसमें भी राम जी, तुझ में भी राम जी तो मुझ में भी राम जी। और जिन्होंने निमंत्रण ठुकराया उनके लिए एक पंक्ति कहता हूँ। किनके लिए नाम लेकर भाई देखिए ना, किनके लिए जिन्होंने निमंत्रण ठुकराया, किनके लिए, सोनिया जी के लिए, खड़गे जी के लिए, किसके लिए ठुकराया, जिन्होंने भी ठुकराया ये उनका दुर्भाग्य है। मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें भी राम जी तो उसमें भी राम जी, तुझ में भी राम जी तो मुझ में भी राम जी, तुझ में भी राम जी तो मुझ में भी राम जी, तेरी मेरी छोड़ हो जा भक्त सच्चा राम का, तेरी मेरी छोड़ हो जा भक्त सच्चा राम का, मैं भी बच्चा राम का हूँ, तू भी बच्चा राम का, मैं भी बच्चा राम का हूँ। नहीं, वो उनकी तरफ से कहा जा रहा था भाई, आप सबसे भी एक ही है, राजनीतिक इवेंट है क्या ये, आरएसएस बीजेपी का इवेंट है, बताइए बताइए। जी नहीं, ये राजनीति इवेंट नहीं है, ये तो राम जी का इवेंट है, राम मंदिर के लिए सभी लोग आए हैं और सबने इतनी, सबके पूर्वजों ने, चलिए बताइए, कभी सोचा था ये अपने जीवन काल में क्षण देख पाएंगे, और ये किस तरह की अनुभूति आपके लिए? ये ऐसी अनुभूति है कि ये आज जो हो रही है, जो कभी शायद जिंदगी में देखने को मिली न मिलेगी, जो बहुत बढ़िया अनुभूति है। और एक बार तो हमारे जब हम लोग छोटे थे 90-92 में, हमारे घर में सबके वारंट काट दिए गए थे, ये 156-7 जो होता है वो लगा के कोई घर से कूद के भाग रहा है, पुलिस वाले दौड़ लगा रहे हैं, एक भाई पे बम लगा के भेज दिया जेल, इस तरीके के कारनामे हुए। और कोई भाई, और कोई और, हाँ बताइए। जय सियाराम, मैं राजस्थान जयपुर से आया हूँ और खाटू श्याम जी का रहने वाला हूँ। जब बचपन में 1992 में बाबरी मस्जिद जब ढाई गई थी, तब आपको अच्छे से विदित होगा कि एक नारा लगा था, हर गांव से शिला लाएंगे हम, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो आज ये मौका अपन वो भावी पीढ़ी है, आपसे भी कहना चाहता हूँ सर, वो भावी पीढ़ी है कि आपने भी मंदिर बनते हुए देखा, हमारी दसियों पीढ़ियां निकल गई मंदिर कब बनेगा, मंदिर कब बनेगा, लेकिन आज मंदिर बनते हुए देखा है, अपनी भावी पीढ़ी को यह सौभाग्य है अपना कि अपन राम मंदिर बनाने जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बताइए प्रभु, बैठे रहिए बताइए। ये राम मंदिर नहीं, ये राष्ट्र का मंदिर बन रहा है, और जो लोगों ने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे जो ये इंडिया नहीं, ये इंटरनेशनल जो षड्यंत्र बना है देश के अंदर सनातन विरोधियों का, इनकी जो
दुर्गति होने वाली है वो ये देश देखेगा और ये भी अपनी आंखों से देखेंगे। 22 जनवरी को जब भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। अब लोग कह रहे हैं मोदी का ये फंक्शन है, लोगों ने कहा है ना किसी विपक्ष के नेता ने, ये मोदी का फंक्शन नहीं, ये राम लला का फंक्शन है और ये पूरे राष्ट्र का फंक्शन होने जा रहा है। पूरा राष्ट्र बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा है। ये राष्ट्र का उत्सव है जगत गुरु जी। बार बार ये आरोप लगाया जाता है भाई पॉलिटिकल इवेंट बना दिया इसको, आरएसएस बीजेपी का इवेंट है और जो लोग नहीं आ रहे हैं वो इसके पीछे यही वजह दे रहे हैं कि तो राजनीतिक इवेंट है। जगत गुरु जी देखिए समस्या ये है कि ये विपक्षी जो है ना वो मोदी जी का विरोध करते करते राम जी का विरोध करने लगे और शुरू से ही विरोध करते चले आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे जो इनका इनकी सोच है, ये सोचते हैं कि 80% की जो आबादी सनातन धर्म की है वो तो बीजेपी के साथ है और रहेगी। हाँ 20% जो बची है वो माइनॉरिटी के वोट हो सकते हैं, वो लेफ्टियों के वोट हो सकते हैं, वो आतंकवादी विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, तो कम से कम तो उन्हें बचा लिया जाए। इसीलिए वो ये बार बार कहते हैं कि राम मंदिर का न्योता हम ठुकरा रहे हैं, जिससे जो वामपंथी लोग हैं, जो आतंकवादी विचारधारा से जुड़े लोग हैं, ओबीसी जैसे नरभक्षी जो हैं, जो इस समाज को जीने नहीं देना चाहते हैं, मुझे लगता है उनको समेटने के लिए हमारा विपक्ष जो है वो उतावला है कि कम से कम जितनी बची है उतनी बचा लो, और इसके लिए अगर राम जी को भी कुर्बान करना पड़े तो उसमें भी वो पीछे हटने वाले नहीं है। पर एक बात वो भूल जाते हैं कि जो राम जी को कुर्बान करता है, राम जी से जो द्रोह करता है, तो लंका का रावण का साम्राज्य समाप्त तो हो गया, और तुम में और इटली में क्या रखा हुआ है, कितने दूर तक चल पाओगे, कितने दूर तक चल पाओ। देखिए खड़े ना आप कैमरे में, विरोधी जो है वो मोदी की आग में राम का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि खुल के तो राम का विरोध कर नहीं सकते हैं, इसलिए मोदी की आग में राम का विरोध कर रहे हैं। राम जी के वो सनातन जो संस्कृति है उसका सब दिन और हमेशा से विरोधी वो बन के रहे हैं और रहे हैं, इसीलिए हमारा राम मंदिर अभी तक नहीं बना है, नहीं तो कब का बन चुका होता। अच्छा, मोदी बहाना प्रभु राम निशाना, बताइए मैथिल साहब। देखिए मोदी निशाना प्रभु राम निशाना जी। अमन जी आपने जो प्रश्न पूछा ना कि ये क्या मोदी जी का इवेंट है, तो मैंने नहीं पूछा। हाँ वो जो बोल रहे हैं, मैं उनसे एक प्रश्न आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आप इस देश के प्रख्यात पत्रकार हैं और न्यूज 18 देश का नंबर वन चैनल। देखिए अगर भगवान श्री रामचंद्र विराजमान के लिए संघर्ष जिन्होंने किया, विश्व हिंदू परिषद ने किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया, उसके अलावा सनातनियों ने किया, ऐसे ऐसे सनातनियों ने किया जिनका नाम हम आज जानते भी नहीं, आज जो भगवान राम लला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है, तो उसका आयोजन जो है वो कौन करेगा? उसका आयोजन दारुल उलूम देवबंद करेगा क्या, तालिबान करेगा, ISIS करेगा, या कांग्रेस करेगी, या समाजवादी पार्टी जिन्होंने गोली चलाई? अरे भैया जो कोर्ट के द्वारा वो कह रहे थे कि वो संकल्प एक तरीके से ड्यूटी थी, माहौल खराब कर रहे थे वहां पर कुछ लोग, इसलिए गोली चलाना सरकार का कर्तव्य था। अच्छा अमन भाई प्रसाद मौर्य, अमन भाई 1528 में मीर बाकी ने इसी अयोध्या जी में मंदिर को ढहाकर जो बाबरी मस्जिद बनाई थी, लाखों जो हिंदू है उनका नरसंहार करके खून को गारे में मिला के इस बाबरी कलंक को बनाया था जी। वो अपमान था या ये परेशानी का सबब था, मैं पूछना चाहता हूं। अरविंद सिंह जी, जब कार सेवकों का परिवार इस तरह के वक्तव्यों को देखता है तो बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत दर्द होता है उनको, क्योंकि जो सपना कार सेवकों ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा, आज जो सपना भव्य और दिव्य और अलौकिक मंदिर के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी का बनने जा रहा है, कार सेवकों उनके परिवार को बहुत पीड़ा है, बहुत असहनीय पीड़ा है। लेकिन आज एक युग का परिवर्तन हो गया है, त्रेता युग जो हम लोग पुराणों में पढ़ते थे, वेदों में पढ़ते थे, आज वाकई त्रेता युग सन 90 और 92 को देखते हैं तो आज लगता है त्रेता युग आ गया है, यही त्रेता युग है। जय श्री राम। और यह राष्ट्र, यह राष्ट्र की राजधानी बनने जा रही है अयोध्या। 140 करोड़ हिंदुओं जो भारतवासी हिंदू हैं, 140 उनके साथ साथ पूरे विश्व को हिंदुओं की एक प्रणेता है, एक अग्रणी भूमिका के रूप में। अच्छा, जिस गोंडा के पुल का जिक्र हो रहा था ना, मैं अरविंद जी के साथ कल वहां गया, सत्यवान सिंह जिन्होंने बलिदान दिया, उनके भाई मेरे साथ थे, अरविंद जी मेरे साथ थे, एक बार वो रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप कुछ बोली देखिए, सुना देता हूँ आपको मैं जी। इतना सुंदर अवसर है,
कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। जी हाँ, राम आएंगे। मैं एक बार उन बाबा से जरूर बात करूंगा जो मेरे शो के दौरान बीच में आए, जिनके चेहरे पर एक अलग सा जो है मुझे संतोष नजर आ रहा है। मैं इसलिए विशेष तौर पर आपके पास आया हूँ बाबा। इन तस्वीरों को देखकर, रामलला के मंदिर को देखते हुए मैंने वही सवाल सबसे पूछा, आपको ये अनुभूति थी, ये हो पाएगा, कभी सोचा अपने जीवन काल में क्षण देख पाएंगे आप? देखिए, राम जी की इच्छा से ये कार्यक्रम तो प्रारंभ में होना ही था, लेकिन लोगों को समय की निश्चित स्थिति का निश्चित नहीं था, क्योंकि ये प्रारंभ में जो भगवान ने निहित कर दिया वो तो पूर्ण होना ही था। आज जो पूर्ण रूप से साकार रूप में जो है सत्य हुआ, ये परमात्मा की ही इच्छा थी, बगैर उनकी इच्छा के कोई कार्य होते ही नहीं है। जो भी ताकत शक्ति मिल रही है सब परमात्मा की ही देन है, इसीलिए उनके इस कार्य हेतु ये कार्य जो है चल रहा है, इसमें कोई भी शक्ति किसी भी प्रकार से रोक नहीं सकती। अच्छा, एक बार वो गोंडा में जब हम गए वहां पर जिस शक्ति का जिक्र अभी इन्होंने किया, वो रिपोर्ट एक बार दिखा देते हैं कि किस तरह से वहाँ कार सेवकों ने भी बताया कि कहाँ पर गोली चली और कहाँ पर गोलीकांड हुआ, वो रिपोर्ट देखिए आप। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो शायद संभवतः उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे, यहीं से सब जा रहे थे, कुछ कर रहे थे और यहीं पर गोलीबारी हुई थी। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक पूरे देश से, प्रदेश से, जिले से आकर के इकट्ठा थे और वो अंदर जाने के लिए पूरी ताकत के साथ, तो पुलिस की दीवार बनी हुई थी, वो रोक रहे थे और इधर से कार सेवक उनको धक्का देते हुए अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे। इसी पुल से, यहीं से, इसी पुल से बहुत दूर तक गए। और यहाँ जो भीड़ थी वो नेतृत्व नहीं था, क्योंकि पहले तो जो भी आता था वो नेताजी को ढूंढता था उस समय। हाँ। अभी सांसद ब्रिजभूषण जी को, जी वो माननीय सांसद जी उस समय सांसद नहीं थे, तो उस समय नेताजी को ही लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन नेताजी चूंकि जेल में चले गए, यहाँ जब लोग खाना पीना कुछ मिलता था तो बताया जाता था कि वो तो जेल में चले गए, तो अनियंत्रित थी भीड़, वो अनियंत्रित हो उठती थी और वो पूरा धक्का देते हुए आधी दूर तक चले गए। उस बलिदान यहीं पर हुआ कुछ कार सेवकों का, इस जगह पर जब गोली चली 2 नवंबर को और 30 अक्टूबर को, दोनों दिन जब अंदर गोली चल जाती थी, जब सूचना आती थी, तो उसके बाद यहाँ लाठीचार्ज और फायरिंग होती थी, कुछ लोग पुल के नीचे कूद गए। अच्छा, यहीं से पुल के नीचे? हाँ, वहाँ आगे जा करके जब बीचों बीच में पहुंचने के बाद लोग वहाँ नीचे पुल के नीचे कूद जाते थे। जब पुलिस का फायरिंग हुआ, लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस का मुझे ध्यान है कि आंसू गैस का गोला आकर के गिरा, तो वहाँ लोगों के कार सेवकों के हाथ में डंडे थे, उसको उठा करके पुलिस के तरफ ही फेंक दिया करते थे। फिर गोली चलने लगी, जब गोली चलने लगी तो किसी ने किसी को देखा नहीं, हम भाग रहे थे। ऐसे ही गोलीकांड में जो एक का बलिदान हुआ वो सत्यवान जी है, सत्यवान सिंह है, और आप उनके भाई हैं। 22 तारीख को गोली चली थी। 22 तारीख को गोली थी।